टैक्स से जुड़ी परेशानियों से आपके कारोबार का पूरा विवरण तैयार करने तक। बिग ब्लेस, हर कारोबारी की खुशियों की चाबी, खुशियों की अपनी दुकान। नमस्कार, आप देख रहे हैं मार्केट टाइम्स टीवी। मैं हूं आपके साथ शालिनी श्रीवास्तव। बड़ी खबर की शुरुआत करते हैं। बीते सप्ताह देश भर के तेल तिलहन बाजारों में लगभग सभी तेल तिलहनों के भाव हानि के साथ बंद हुए। साधारण मांग से सोयाबीन तिलहन कीमतों में सुधार दर्ज हुआ है। बीते सप्ताह वार्षिक लेखा बंदी के कारण कारोबार सीमित होने से कीमतों में गिरावट आई है। वहीं सूत्रों ने कहा है कि मूंगफली तेल तिलहन के भाव पूर्व स्तर पर रहे। केवल मूंगफली सॉल्वेंट रिफाइंड के भाव में पिछले सप्ताह के मुकाबले 10 रुपए प्रति क्विंटल की गिरावट आई है। इसके अलावा शनिवार से नवरात्र की शुरुआत के मद्देनजर भी घरेलू के साथ साथ कारोबारी मांग घटने के ये गिरावट और बढ़ गई है। सूत्रों ने कहा कि मामूली मांग होने की वजह से बीते सप्ताह विदेशों में मंदी के बावजूद सोयाबीन दाने और सोयाबीन लूज के भाव 75 रुपए के भाव के साथ 7625 से 7675 रुपए और 7325 रुपए से 7425 रुपए प्रति क्विंटल पर ये बंद हुए हैं। वहीं मंडियों में आवक बढ़ने से जहां सरसों तेल तिलहन में गिरावट आई है, वहीं ऊंचे भाव पर मांग कमजोर रहने और विदेशी बाजारों में गिरावट आने की वजह से सीपीओ और पामोलिन तेल के भाव भी गिरावट दर्शाते हुए बंद हुए हैं। सूत्रों ने कहा कि सरकार को तेल तिलहन उत्पादन बढ़ाने की ओर विशेष ध्यान देना होगा, तभी इस मामले में देश आत्मनिर्भर होगा। इससे हमारी विदेशी मुद्रा की बचत भी होगी, साथ ही सकल घरेलू उत्पाद यानी कि जीडीपी और रोजगार बढ़ेगा। वहीं समीक्षाधीन सप्ताह में मूंगफली तेल तिलहन के भाव पूर्व स्तर सप्ताहांत के बाद भाव के स्तर पर टिके रहे और केवल मूंगफली सॉल्वेंट रिफाइंड में 10 रुपए की गिरावट आई है। मूंगफली सॉल्वेंट का भाव 2570 से 2760 रुपए प्रति टीन पर ये बंद हुआ है। मलेशिया एक्सचेंज में गिरावट और ऊंचे भाव पर मांग घटने से समीक्षाधीन सप्ताहांत में कच्चे पाम तेल यानी कि सीपीओ का भाव भी 300 रुपए घटकर 13800 रुपए क्विंटल ये रह गया है। तो बड़ी खबर में अभी बस इतना ही, और बड़ी अपडेट्स और खबरों के लिए आप जुड़े रहिए मार्केट टाइम्स टीवी के साथ। मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार। आपके हर बिल को बनाने और उसका हर हिसाब रखने तक बिग ब्लेस, हर कारोबारी की खुशियों की चाबी, खुशियों की अपनी दुकान।